केरल के वरिष्ठ सांसद ही अहमद का दिल का दौरा पड़ने के बाद देर रात निधन हो गया। वह संसद के केंद्रीय सभागार में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें शहर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई घंटों के इलाज के बाद देर रात 2:15 बजे उनका निधन हो गया। वह मंगलवार शाम से ही जीवन रक्षक प्रणाली पर। अहमद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे और 1991 से केरल के मलप्पुरम से लोकसभा सांसद थे। वह केरल से लंबे समय तक IUML सांसद रहे। राजनीतिक वर्ग में अहमद के निधन की खबर फैलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केरल कांग्रेस नेता एवं सांसद KC वेणुगोपाल देर रात अस्पताल पहुंचे। अहमद को सबसे पहले RML के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार के कोई संकेत न मिलने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा। अहमद की चिकित्सीय निगरानी के लिए 3 डॉक्टरों की टीम गठित की गई थी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट नीरज पंडित, एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख राजेश सूद और नर्सिंग विभाग के प्रभारी RS टोंग थे। अहमद के निधन पर PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निवास स्थान जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखते रहिए DB Live।